आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका बड़ी बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे थे, यानी कि CAA पारित भी हो गया है। इसको लेकर क्या है आम जनता की राय, चाय पे चर्चा यहाँ होगी, कुछ लोग मेरे साथ बैठे हुए उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है? पंकज शर्मा। पंकज जी, CAA पारित हो गया है, कुछ लोग इसके पक्ष में है, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है आपको, सही है ये कदम? जी बहुत अच्छा कदम है और मोदी जी ने ये बहुत अच्छा काम करा है। जो हमारे भाई बाहर परेशान थे बहुत ज्यादा, 2014 से जिन्होंने आवेदन कर रखा था और वो अपनी यहाँ पे नागरिकता हासिल कर लेंगे, ये मोदी जी का बहुत सराहनीय कदम है, स्वागत करते हैं हम इसका। बिल्कुल स्वागत करते हैं, आपसे भी जान लेता हूँ सर क्या कहना है आपको CAA को लेकर, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सराहनीय काम किया है और ये हिंदुओं के पक्ष में करा है और ये बहुत ही बढ़िया काम, हम इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से पारित हुआ 2019 में, इसको कहा गया था 2014 से पहले जितने भी शरणार्थी आए हुए हैं उनको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, उसके लिए उन्हें दस्तावेज भी देने होंगे, क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, अगर हम अपने भाइयों को नागरिकता नहीं देंगे तो और देगा कौन? और मोदी सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है और आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट। आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं? विरोध तो बेवजह ही हो रहा है। देखो माइनॉरिटी जहाँ वहाँ पे हमारे जो माइनॉरिटी भाई हैं या हिंदू जैन सिख ईसाई बौद्ध जो माइनॉरिटी में हैं, उनके लिए अगर हम भी ये कदम नहीं उठाएंगे तो फिर और कहाँ जाएंगे वो? एक हिंदू एक दो देश ही हैं जहाँ पे, और उनको हम छोड़ ले सकते हैं वापस, तो उनको हमें लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा कदम। आप बताइए कि जो शरणार्थी आए हुए थे, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हैं, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, उनको भारत की नागरिकता मिलने वाली है, तो सही कदम है मोदी सरकार? बहुत अच्छा कदम उठाया हमारी सरकार ने ये। लोग न जाने कितने टाइम से अभी भी अवैध रूप से रह रहे थे, अब उन्हें एक पहचान मिल जाएगी। और सबसे अच्छा ये किया है, जो पहले 11 साल की मान्यता थी उसमें 11 साल रहना जरूरी था, जिसे सरकार ने घटा के 5 साल कर दिया है। जो आदमी 5 साल भी रह रहा है वो हिंदुस्तान का नागरिक कहलाएगा और अपने इज्जत के साथ देश के साथ रह सकेगा। अच्छा, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2014 से के बाद जो आए हैं उनको नहीं मिलेगी, ये कहा जा रहा है कि 2014 से पहले जितने लोग आए हैं उनको मिलेगी। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है CAA को लाके, बहुत ही अच्छा काम किया। और जो विरोध कर रहा है इसका, वो केवल राजनीति का विरोध है, कोई विरोध नहीं है, कोई किसी तरह का विरोध नहीं है, केवल राजनीति का विरोध है। आप बताइए, यूथ हैं आप, यूथ के ऊपर भी बहुत से दामोदर बनते हैं, क्या कहना है आपको इस चीज को CAA को लेकर? मेरा इसमें कहना है, तो सब पहले मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने इतनी अच्छी पहल करी है लाके। और रही बात 2014 के बाद का विरोध कर रहे हैं जो लोग, ये आम चुनाव आ रहे हैं, लोग किसी को इससे जोड़ के देख रहे हैं, पर मोदी जी ये गवर्नमेंट है, ये भारत सरकार मोदी सरकार अपना काम कर रही है और करती रहेगी। बिल्कुल, तमाम ये लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना यही है कि CAA एक बेहतरीन कदम उठाया गया है मोदी सरकार की तरफ से, जो भारत के जो बाशिंदे हैं उनको भी नागरिकता मिलेगी, जिसका सीधा सीधा फायदा अपने ही लोगों को होने वाला है।